नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत के संदर्भ में उसके बढ़ते हुए प्रभावों की। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि की। पलासी का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार मेंसन ने भी लिखा है कि इतना तात्कालिक और तीव्र परिणाम देने वाला युद्ध शायद ही विश्व के इतिहास में कहीं हुआ होगा। यह युद्ध शतरंज की बिसात पर लड़ा गया था, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने मिलकर एक 24 वर्षीय नवाब की हत्या कर दी थी। इस युद्ध को समझने से पहले इसके पीछे के कारणों को समझना अनिवार्य है, जिसके लिए औरंगजेब के शासन काल से बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना होगा, क्योंकि पलासी के युद्ध के दो इनिशियल रीजंस जो थे वो थे उत्तराधिकार का युद्ध, दूसरा अलीवर्दी खां को पुत्र ना होना। ये दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं मुर्शीद कुली खां से। मुर्शीद कुली खां, जिसको औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया, फर्रुखशियर ने 1717 में उसे बंगाल की सूबेदारी दे दी। समय आगे बीता, 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा का भी उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। मुगल शहजादे अजीमुशान से मतभेद होने के बाद यह ढाका के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर होकर कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहता था। इसके लिए इसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण ढाका से मुर्शिदाबाद किया। यह एक योग्य शासक से दुआ या मुगल बादशाह को हमेशा कर दिया करता था। इसके समय में जमींदारों ने 3 विद्रोह किए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद तीनों के सम्मिलित नेतृत्व में हुआ, जिसे इसने दबा दिया। इस घटना के तुरंत बाद शुजात खान ने दूसरा विद्रोह किया, वह भी एक जमींदार था। इस विद्रोह को भी इसने कुशलतापूर्वक दबा दिया। इसके बाद निजात खान ने प्रयास किया, इसने उसका भी दमन कर दिया। इस प्रकार इसने तीनों विद्रोहों को दबाकर अपनी कुशलता प्रदर्शित की। यह एक कुशल शासक तो था ही, एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी सिद्ध हुआ। इसने बंगाल का आर्थिक विकास किया, जैसे इसने इजारेदारी प्रथा को अपनाकर तकाबी ऋण की व्यवस्था की। तकाबी ऋण एक तरह का अग्रिम ऋण हुआ करता था, जिसे आज की भाषा में हम लोग लोन कहते हैं। यह किसानों को दिया जाता था, लेकिन इसने मालगुजारी की वसूली में एक कठोर से कठोर तरीकों की नीति को अपनाया। इसका परिणाम यह निकला कि मालगुजारी की वसूली में नियमितता आई, कोषागार में काफी धन संचित हुए। इसलिए इसे कुशल शासक माना जाता है। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ, जो 1727 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठा और 1739 तक उसने शासन किया। इसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया।
इसे नहीं पता था कि जिसे वह बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त कर रहा है, आने वाले समय में वह बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करेगा और वह भी इसके ससुर की तरह एक कुशल शासक सिद्ध होगा। बहरहाल इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया और 1739 तक इसने शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल पर शासन किया, मुगल शासन व्यवस्था की छत्र छाया में, क्योंकि यह भी मुगल सम्राटों को नियमित रूप से कर दिया करता था। इसके बाद 1739 में शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज गद्दी पर बैठता है। उसके विचार अलीवर्दी खां के विचारों से मेल नहीं खाते थे, जिसके कारण गतिरोध बढ़ता चला गया और इसका परिणाम यह निकला कि 1740 के गिरिया के युद्ध में 1740 के गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने इसे पराजित किया और मार दिया और स्वयं बंगाल की गद्दी पर बैठा। इसने आरंभ में मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये घूस के तौर पर दिए ताकि इसका पद, नवाब का पद स्थायी हो सके। उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासन काल में इसने कभी भी मुगलों को कर नहीं दिया। यह सिर्फ नाम मात्र के लिए मुगलों की छत्र छाया में था। यह अंग्रेजों से मित्रवत संबंध रखने में सफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को उनकी कोठियों को दुर्गीकृत करने की अनुमति कभी नहीं दी। यह उनकी प्रकृति से पूरी तरह वाकिफ था। इसने कहा था, जो इतिहास में एक प्रसिद्ध कथन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि ये मधुमक्खी हैं, यदि इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और अगर छेड़ दिया गया तो यह काट कर खा जाएंगी। शायद इसने सही कहा था। यह कथन इसकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। इसने मराठों को शांत करने के लिए मराठों को उड़ीसा प्रांत तो दिया ही, इसके अतिरिक्त 12 लाख रुपए वार्षिक शौथ के रूप में देना स्वीकार किया, क्योंकि मराठे इसको अत्यधिक परेशान कर रहे थे और इसने रघुजी के साथ, मराठा सरदार रघुजी के साथ इसने समझौता किया और उस समझौते के तहत उड़ीसा प्रांत के साथ साथ 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देना इसने स्वीकार कर लिया। इसकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री ढाका के प्रमुख से ब्याही गई थी, बीच वाली यानी कि मझली पुत्री पूर्णिया के प्रमुख से ब्याही गई थी और तीसरी पुत्री, सबसे छोटी पुत्री जो थी, उसका विवाह पटना के प्रमुख से हुआ था। सिराजुद्दौला सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। यहां पर उत्तराधिकार को इसलिए भी पलासी युद्ध के प्रमुख कारणों में गिना जाता है, क्योंकि घासीटी बेगम जो कि इसकी बड़ी बेटी थी, पूर्णिया के नवाब का पुत्र शौकत जंग जो कि इसका मौसेरा भाई था, और सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, इन तीनों के मध्य उत्तराधिकार की लालसा प्रबल होती चली गई और मतभेद की स्थितियां पैदा होती चली गईं, जिसकी परिणीति कहीं ना कहीं पलासी युद्ध में मानी गई। कुछ इतिहासकार पलासी युद्ध के कारणों में एक कारण को भी प्रमुख मानते हैं कि अलीवर्दी खां को यदि पुत्र हुआ होता तो
कहीं ना कहीं यह संभव था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा नहीं होती और सामाजिक रूप से उसके पुत्र को स्वीकार कर लिया जाता उसके उत्तराधिकारी के रूप में। बहरहाल ये तो इतिहासकारों का मंतव्य था। 24 साल की अवस्था में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। जब वह गद्दी पर बैठा तो उस समय बंगाल का सिंहासन कांटों से भर गया था, क्योंकि इसके शत्रु अंग्रेज होते बाद में इसके शत्रु घर में ही जन्म लेकर विकसित तो हो चुके थे। सबसे पहला स्थान आता है इसकी बड़ी मौसी घासीटी बेगम का, उसके बाद स्थान आता है इसका मौसेरा भाई शौकत जंग का, इसका खुद का दीवान, हालांकि वह दीवान अलीवर्दी खां के समय से ही था, जो कि वंशानुगत तरीके से सिराजुद्दौला की सेवा में भी था। राजवल्लभ, इसका खुद का दीवान राजवल्लभ, जो प्रत्यक्ष रूप से घासीटी बेगम को समर्थन दे रहा था। तीसरे सबसे प्रबल शत्रु थे अंग्रेज, जो इन दोनों को समर्थन दे रहे थे। इस प्रकार आंतरिक विरोधों के बीच अंग्रेजों से टक्कर लेने सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं निकल पड़ा, और परिणीति यह हुई कि पलासी का युद्ध आधे घंटे भी नहीं चला, जबकि नवाब के पास लगभग 52,000 सैनिक थे और मात्र 2,500 सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने इस युद्ध को आधे घंटे में समाप्त कर दिया। और इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य की नींव धोखे के फाउंडेशन पर रखी गई थी, शतरंज की बिसात पर रखी गई थी। यहीं से आरंभ होता है अंग्रेजों के राजनीतिक बिल्डिंग के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अगले अध्याय में हम लोग इसको बारीक से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किन किन परिस्थितियों ने पलासी के युद्ध की पृष्ठभूमि, जो कि तैयार हो चुकी थी, को बढ़ावा दिया और किस प्रकार उन्होंने सिराजुद्दौला का विरोध किया और किस प्रकार उन्होंने हिंदुस्तान के साथ दगाबाजी की। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके बारीक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।